जुमे के दिन या सुबहू और इशा का दूसरों का वजीफा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि मेरे नजदीक कोई बीमारी ना आए, कोई तकलीफ ना आए, ना जिस्मानी बीमारी ना रूहानी बीमारी, सारी तकलीफों और बीमारियों से मुझे निजात मिले, अल्लाह हर तरह की बीमारियों से मेरी हिफाजत फरमाए, तो इसके लिए एक बहुत मुजरिम वजीफा है, बहुत ताकतवर वजीफा है, बहुत कामयाब वजीफा है। वजीफा पढ़ने का तरीका, आपने रात के आखिरी हिस्सा में यानी नमाज तहज्जुद के बाद एक असार मरतबा शाक कदूस पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से छुटकारा देगा। इस अमल को आपने 7 दिनों तक करना है। दूसरा, आपने जुमा की नमाज अदा करके घर आके रोटी के टुकड़े पर शहादत की उंगली से एक मरतबा सबूहुन कदूस लिख कर फिर इस टुकड़े को खा ले, इंशाअल्लाह हर तरह की बीमारी से शिफा मिलेगी। ये अमल आपने हर जुमे को करना है। वजीफे की मुतल्लिक जरूरी बात, वजीफा जैसे बताया गया है वैसे ही करना है। इसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी करें, वजीफा खुद भी करें और सदके की नियत से दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें। जज़ाकअल्लाह। नाज़रीन, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।